नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो वही बंदे देखना जिनको डॉग लाइन से एक्सपीरियंस है या ऑलरेडी जिनके पास डॉग है, क्योंकि आज मैं जो आपको कैनल दिखा रहा हूँ वो है कैंगल और दूसरा है अलाबाई। और ये डॉग वही रख सकते हैं जिनको टोटली डॉग्स में एक्सपीरियंस है। और ये कैनल है चिकमंगलूर में, कर्नाटका में, और इस कैनल का नाम है जैकल हंटर कैनल। और ये बड़ा फेमस है, काफ़ी मैसेज आ रहे थे इस कैनल को दिखाने के लिए। तो चलिए दो मजबूत ब्रीडें आपको दिखाते हैं और आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो ये कैनल का सेटअप का मैं टूर दे देता हूँ। सबसे पहले भैया आपका क्या नाम है? अनिकेतन। अनिकेतन, तो यहाँ पर आप संभालते हो सारे डॉग? हाँ, सारे डॉग मैं संभालता। तो वैसे ये आपके जो ब्रदर हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर दिल्ली में है, वो दिल्ली में है, उनका नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक जी, अभिषेक जी का ये कैनल है और यहाँ पर केयर टेकिंग उनके ब्रदर ही कर रहे हैं। तो चलिए इनके घर में आप देखते हैं। आवाजें तो आनी शुरू हो गई है ना शेर वाली। दहाड़ देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो दहाड़। ये दहाड़ मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा PSI बाइट फोर्स में किसी डॉग का है तो इस डॉग का है। और भाई साहब ये देखो, शेर जैसी दहाड़, मजा आ गया। बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखो साइज देखो, ओरिजिनल ओरिजिनल अलाबाई। और तो कैसे शेपर्ड, कौन कौन सी ब्रीड है भैया आपके पास? अलाबाई और कंगल। एक तो कैसे शेपर्ड भी है ना आपके पास? शिमोगा में, दूसरे कैनल में, दूसरे जगह में। तो ये बाहर निकाले हम, दिखाएं फिर। तो दोस्तों बाहर निकालते हैं, ऐसे नहीं पता लगेगा। अभिषेक जी का कहना है कि ये ब्रीड ऐसी है जो मैन मेड के कारण नहीं बनी, सेंट्रल एशिया की ब्रीड है। हर जगह इसका नाम चेंज हो जाता है। तुर्किस्तान में कुछ कहते हैं, सेंट्रल एशिया की तरफ कुछ कहते हैं, अफगानिस्तान में कुछ कहते हैं। उनकी मैं लैंग्वेज बाहर लगा दूंगा, एक वीडियो अलग से बना दूंगा उसके स्टैंडर्ड के बारे में, क्योंकि मुझे, मैंने तो पहली बार ही देखा है। तो भैया ये कितने साल हो गए इसको? इसको इधर सेट करके 4 मंथ्स हो गया। फोर मंथ्स। तो पहले कहाँ पर थे ये? बेंगलोर में है। अच्छा, बेंगलोर में भी कैनल है। कैंगल पूरा बेंगलोर में है, कैंगल वहाँ पर है। अभी एक कैंगल तो है ना यहाँ? एक ही कैंगल है। ठीक है, और बाकी सारे अलाबाई है? सारे अलाबाई है। ठीक है, चलिए दिखाइए कैंगल कितने महीने का यहाँ पर? वो 8 मंथ का है। 8 मंथ का? 8 मंथ। तो बड़ा कैंगल वहीं पर है? वहाँ पर है। तो उसका वीडियो तो होगा आपके पास है? और भाई साहब ये देखिए, आपस में इनकी बिल्कुल नहीं बनती, मुझे लगा आपस में बनती है इनकी। और ये देखो, ये देखो भाई साहब, और जगह देखो सारा, ओए होए, ये आपस में ही लपड़ते हैं। ये दहाड़ देखो, ये लड़ नहीं रहे, ये सिर्फ जो ये गूंज है ना, एक फीमेल आई है यहाँ पर, ये गूंज है इनकी। भाई साहब ये देखो, मैं तो इसके हाथ में छूट गया, मेरा टांग कर देगा, मैं भी बाहर चलता हूँ। ओहो, दूर ही रहता हूँ, नहीं तो बाइट फोर्स वो कर देगी अपना भी काम। इसीलिए कहता हूँ भाई, जो एक्सपीरियंस होगा ना जिसको डॉग में, वही इसी डॉग की ब्रीड के ऊपर जाना। ऐसे ही मजाक मजाक में अपनी शो ऑफ दिखाने के चक्कर में कुत्ता ले लोगे, वो काम मत करना। बाहर निकालते हैं फिर देखते हैं। और ये देख लो भाई साहब, ये आ गया भैया, पकड़ के रखना इसको। और ये देखो, ये है बीस्ट। ये कितने महीने का भैया? 3 ईयर्स का। ये 3 साल का है, ये फुली एडल्ट डॉग है ये। और ये देख लो भाई साहब क्या है भैया, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? इसके साथ बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ, ये तो अपनी मर्जी से ही चलेगा अब। मैं भैया को कह रहा हूँ, भैया पहले बांध लो इसको, क्योंकि ये खुल गया तो हमारे, तो हमारा हो जाएगा PSI पूरा। और ये देखो, ये वो ब्रीड है जो अपनी मनमानी करती है। अगर इसको प्रॉपर ट्रेनिंग आपने नहीं दी तो फिर समझो खतरनाक है, अगर ट्रेनिंग दे दी तो फिर बेटा है। और वो भी बेटा है, लेकिन हम डॉग को भी बेटा कहते हैं, जिनकी फैमिली का मेंबर होता है वो बेटा ही होता है। तो दीदी ये क्या है, मतलब कैसा है आपके साथ ये? बोलिए बोलिए। हिंदी नहीं आता है ना? हिंदी कम आता है? कम आता है। चलो हिंदी कम आता है, तो भाई आप बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। ये मेरा अगस्त्या है, इसका अभी 3 साल हो गया। अच्छा, ये रशिया से इंपोर्ट हो गया। अच्छा, ये भी हमारा कैनल से ही थोड़ा अडल्ट डॉग है।
अच्छा ये मेरा पहला कुत्ता है। अच्छा तो भैया ये क्या मतलब इसका क्या नेचर है, क्या मतलब आप इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो अभी? इसको देखो अभी देखने के लिए थोड़ा ये ना बहुत ही टेम्परमेंट डॉग है, अभी देखने के लिए थोड़ा इसका पहले एक फीमेल था वो अभी नहीं है, उसका था नाम आगा टैगा है। आप ही देखो इसका पाँव कैसा है, मेरा हाथ कैसा है, बड़ा है। मतलब भैया के हाथ जितने इसके पॉज हैं और ये हाइट देखिए, मैं कहता हूँ हाइट भी इसकी अच्छी खासी है भाई साहब। तो भाई साहब इसका फेस देखिए, फेस तो मैं कहता हूँ दो ग्रेडन के जितना बड़ा है। और ये देखिए भैया इसकी टेल डॉक ही आती है पीछे से? नहीं ये क्रॉप कर दिया, ये क्रॉप खुद ही किया डॉक? नहीं ये इंपोर्ट है ना। अच्छा इंपोर्ट करके ही देते हैं। और ईयर्स वगैरह भी क्रॉपिंग? अच्छा ईयर भी क्रॉपिंग होते हैं। तो भैया ये खाता क्या है पहली बात? तो ये हमें रॉ फूड भी देता है, मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट देता है। ड्राई फ्रूट? अच्छा ड्राई फूड देते हो, फीड वगैरह देते हो? और आफ्टरनून हमें कर्ड देता है। अच्छा और शाम में चिकन राइस या मटन राइस और फ्रूट्स वेजिटेबल्स पूरा मिक्स करके बिरयानी जैसे बना के डालता हूँ मैं। तो ये कितने किलो खाता होगा रहा? ये 3-4 kg खाता है। 4 kg आराम से खाता है? आराम से खाता है। तो मतलब चिकन आपको 4 kg देना ही पड़ता है दिन का? दिन का। तो एक्सरसाइज वगैरह क्या करता है ये? एक्सरसाइज डेली हमें सुबह, आप लोग मेरा स्टेट है इधर 30-40 acres है। अच्छा। हमें इधर वॉकिंग लेकर आकर उसका उधर छोड़ता है, पूरा उधर भाग कर इधर अंदर आता है। तो ये बाकियों से लड़ता है वैसे? हाँ बाकियों से नहीं, ये अकेले भी छोड़ता है और दूसरा डॉग भी दो डॉग छोड़ता है। अच्छा आपस में ये मिक्स रहती है? हाँ मिक्स। तो अगर मेल मेल को रखे तो लड़ते? नहीं मेल 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 हमें नहीं छोड़ता है, सिर्फ मेल और फीमेल को छोड़ता है। फीमेल को छोड़ता है क्योंकि ये डोमिनेट करता है। अच्छा तो दोस्तों ये देख लो, ये है आला भाई। और ये आपको कैसा लगा ये कैनल में? कितने अभी आला भाई? अभी इधर 9 आला भाई है। 9 आला भाई है? तो एक कंगल भी है? एक कंगल। तो कंगल और आला भाई में दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है आपको? मेरे को आला भाई अच्छा लगता है। आला भाई अच्छा? आला भाई सारा कलर में आता है, ब्राउन व्हाइट ब्लैक टैन सारा कलर में आला भाई आता है। तो पीछे से कहाँ से है ये ब्रीड? ये ब्रीड 4000 ईयर पहले भी था। मैं इसको एक तीन ईयर का पहले मैं लेकर इधर इंडिया आ गया, मेरा भैया इधर रशिया में था, वो एक 5 years उधर आला भाई रखा था रशिया में, इधर हमें 3 years हो गया इधर इंडिया में हमें लेकर। तो ये इसको कहाँ पर रखना चाहिए? ये अपार्टमेंट में रखने वाली तो ब्रीड ही नहीं है? नहीं नहीं इसको खेलने के लिए जगह चाहिए और इसको वॉकिंग डेली एक किलोमीटर वॉकिंग चाहिए। तो और क्या इसकी खासियत, किससे ये डरते हैं, किससे ये भागते हैं? डरता तो होगा नहीं ये कहीं से? क्योंकि प्रेडेटर्स, किसी प्रेडेटर्स आ गए तो वो उसको पता होता है। अच्छा आप ही देखो, मैं नहीं आता है, आप अंदर जाओ कैसे है वो करता है, मैं आ गया तो खुद मैं आ गया तो कुछ नहीं करता है, दहाड़ लगा देते हैं पूरा। तो भाई साहब एक चीज और मुझे बताओ, ये बच्चों के साथ कैसा है? बच्चों के साथ अच्छे से खेलता है, हमारा इधर बच्चा आता है, मेरा पापा का कजिन आता है, वो उसका साथ भी पूरा बच्चा उसका साथ भी खेलता है, हम इधर छोड़ता है पूरा छोड़ता है, वो इधर उधर जाके आता है हमें। अच्छा ये मतलब हैप्चुल हो चुका आपके गाँव से? तो और ब्रीड में कोई खासियत इसकी जो आप बताना चाहोगे? ये मतलब इसकी कंघी वगैरह क्या करते हो, ग्रूमिंग के लिए क्या करते हो? ग्रूमिंग डेली सुबह और शाम में ग्रूमिंग करता है हमें। अच्छा तो बाल तो काफी झड़ते हैं इधर? हाँ बाल ज्यादा आते हैं ना, इसीलिए अभी ये शेडिंग टाइम है। अच्छा ये शेडिंग करेगा? शेडिंग करेगा। अच्छा तो बाल वैसे ये कलर कितने आते हैं इसमें? ये अभी विंटर आ गया तो थोड़ा डार्क कलर आता है। अच्छा अभी ये शेडिंग होता है ना, इसको लाइट कलर दिखता है आपको। ठीक है। और दोस्तों इसके ऊपर ना, ये तो हो गया ओनर रिव्यू, एक वीडियो इसके स्टैंडर्ड के ऊपर आएंगी जहां पर डॉक्टर अभिषेक इसके स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे। और ये देख लीजिए भाई साहब, अगर कोई बाहर का बंदा आ गया मेरे जैसा तो ये काटेगा उसको? काटेगा तो छोड़ेगा टांगे? नहीं, नहीं छोड़ेगा। तो दो तीन तो इसको बांधता है, आप देखो आप ये की अभी देखो अभी आप आकर इसको टच करना है, कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा आप ये की अगर इसको भाई साहब टच तो कोई भी नहीं करेगा, इसका तो देखने का स्टाइल भी घूर रहा है ये ऐसा नहीं है भाई साहब, वाकई एक कुदरत का नया करिश्मा है। और इंडिया में आला भाई किसके पास है और है वैसे ज्यादातर है? अच्छा मैं भी खुद आला भाई के लिए कैनल बना दिया। अच्छा आला भाई और कंगाल के लिए? अच्छा जो बेंगलोर में वहाँ पर ज्यादातर कंगाल रखे? ज्यादा कंगाल है और आला भाई का दो ये मेल है। अच्छा सेपरेट सेपरेट मेल है। तो अभी कितनी फीमेल है आपके पास टोटल? इधर मेरे पास 9 फीमेल है और 5 मेल है।
अच्छा फाइव मेल है, चलिए इनको दिखाते हैं आपस में। ये फीमेल तो फीमेल छोड़ सकते हैं आप? नहीं 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 छोड़। अच्छा मतलब ये किसी और डॉग के साथ नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो छोटे मोटे डॉग के साथ अगर मेरे पास है छोटा छोटा डॉग इसको खेलने के लिए, अभी मैं छोड़ता हूँ उसका साथ भी, वो खेलता है ना। अच्छा वो उसके साथ खेलेगा, एक्सरसाइज भी होता है ना, इसलिए छोटा छोटा डॉग भी रखा दिया। अच्छा। मेरे पास बीगल और इंग्लिश पॉइंटर है। और ये भैया का देखिए, मैं फेस देख रहा हूँ, ये आदमी का फेस है और इसका मतलब इसका बड़ा लग रहा है फेस। भाई साहब क्या डॉग है, और बाइट देखिए कितनी है इसकी, मतलब ये आपने अगर घर में रखा है ना तो मतलब समझ लो कि दुनिया का कोई भी बंदा अपनी इंश्योरेंस करा के जरूर आपके घर में आएगा। ये देख लीजिए, और रात को पूरी ये करता है, मतलब चौकीदारी वगैरह घुसने देता है? आपके नहीं 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 किसी को नहीं, नहीं। मतलब सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है, अगर घर में आ गया तो वो उसको हॉस्पिटल वो खुद ही जाएगा अगर जाएगा। तो दोस्तों ये था आला भाई, एक ओनर रिव्यू मैंने दिया इस ब्रीड की। स्टैंडर्ड के बारे में डॉक्टर अभिषेक आपको ज्यादा बता देंगे कहाँ से आई है, और ये देख लीजिए क्वालिटी। इसी के साथ इनका मैं कैंगल दिखाऊंगा अगली वीडियो में, और क्या मस्त ब्रीड है यार, ये देखिए। ओए होए होए, मतलब हाथ करो तो नहीं भाई नहीं, ये देखिए। चलिए इनके फीमेल भी दिखा, और दोस्तों ये देखो ये 9 महीने का है, वो उसके बराबर ही है आप समझो। भाई पीछे 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 पीछे, भाई मुझे तो लग रहा है डर। ये तो बच्चा है, बच्चा है जो बच्चे ज्यादा काटते हैं। अब बैठो इसके साथ। तो भैया ये कितने महीने का है? ये 9 मंथ का है। ये 9 महीने का, ये तो उसके भी बराबर है ये। इसको हाथ कहीं तो है दोस्तों, इसका कलर देखो कितना, मतलब ये आपको ना एक बियर नहीं होता जैसे पोलर बियर, जैसे पोलर बियर वैसा ही है ये। फेस भी कटिंग करके वैसे पोलर बियर की तरह ही बना दिया है। और ये देखो तो भैया ये खेलते खुलते वैसे ही है। हाँ। ऐसे ही मतलब नेचुरल नेचुरल भाई साहब, ये तो गलती से ही ऊपर चढ़ जाए। और एक चीज और है भैया, ये मतलब इनके जो कैल्शियम वगैरह इनको ज्यादा नीड होती है या कम होती है? कैल्शियम हमें डेलता है बोन के लिए, पूरा कैल्शियम विटामिन हमें पूरा देता हूँ। अच्छा। और हमें चिकन मटर चिकन में दे दे तो विटामिन नहीं आता है। अच्छा। हमें विटामिन के लिए खुद और टैबलेट डालते हैं। अच्छा। और दोस्तों ये देखो भाई साहब, फेस देख के ही आपको मजा आ जाएगा। और ये 8-9 महीने का टैडी बियर है, लगते बड़े प्यारे हैं, मेरा मन कर रहा है इसको प्यार करूं, पर भाई दूर ही रहता हूं तो अच्छी बात है। और ये देख लीजिए इसका आप स्टैंडर्ड के बारे में ज़्यादा, टांगे इसकी बड़ी मजबूत है, चारों टांगे बहुत मजबूत है, अपना ग्रिप पूरा बनाते होंगे, और जब ये अटैक करते होंगे तो भाई साहब पीछे जाता जरूर होगा। और ये देख लीजिए, आप नीचे कमेंट कीजिए आपको ये ब्रीड कैसी लगी। इसका भी अभी 10 मंथ हो गया, इसका ये फीमेल है। अच्छा ये 10 महीने की फीमेल है। 11 मंथ हो गया इसका। अच्छा ये 11 मंथ की फीमेल है, मतलब मेल और फीमेल की साइज में तो फर्क ही नहीं है दोनों। ये बहुत बड़ा केनल से हमें लेकर आ गए इसको। अच्छा ये बाहर से लाए हो? बाहर, ये दोनों भी बाहर से इंपोर्ट है। ये भी इंपोर्ट है? सारा क्या, सारा कुत्ता इंपोर्ट है। अच्छा अभी सारा इंपोर्ट है? सारा कुत्ता इंपोर्ट है। तो आपकी ब्रीडिंग के बच्चे कहाँ हैं? उधर अंदर है। अच्छा वो भी बच्चे भी लाते हैं। तो ये देख लीजिए इनकी फीमेल। ओए होए होए भाई साहब, ये देख लो क्वालिटी देखो। भैया खेलना इसके साथ, खेलना थोड़ा सा, खेलना उछालना इसके साथ, खेलना थोड़ा। और ये आपस में लड़ते तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक ही एज की है ना दोनों? ये 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 एक ही एज के हैं और सेम टाइम इंपोर्ट हो गया दोनों। अच्छा ये बेलारूस से, ये रोमेनिया से। अच्छा ये बेलारूस से है? हाँ, बेलारूस। और ये रोमेनिया से। और ये देख लो भाई साहब, ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ये तो बिल्कुल टेडी बियर लग रहा है। ये फाइटिंग लाइन का है ये कुत्ता। ये फाइटिंग लाइन का? हाँ, ये फाइटिंग लाइन। मतलब फाइटिंग लाइन में क्या होता है, वो फाइटें कराते हैं वहाँ? हाँ, फाइटिंग का यूज करते हैं, इसका पापा मम्मा फाइटिंग का चैंपियन है। अच्छा। हाँ। मतलब फाइटिंग में जो चैंपियन हो गया उसको उसको अच्छा माना जाता है वहाँ पर। तो और क्या इससे वर्किंग ली जाती है इस कुत्ते से, और क्या काम लेते हैं इससे? इससे आपको ये सिक्योरिटी केबल रखता है। अच्छा। और इधर आप एक कुत्ता ले गए तो मेरा इधर 30 एकर्स है, हमें इधर 2 कुत्ता छोड़ता है पूरा इधर। मतलब 30 एकड़ के फार्म में कोई घुसता नहीं है? नहीं। और दोस्तों ये देख लीजिए भाई साहब, ये पोलर बियर अगर आपको चाहिए तो भैया का नंबर नीचे है। मैं तो कहूँगा कि भैया एक्सपीरियंस जरूर ले लेना डॉग का, नया बंदा तो बिल्कुल मत लेना, नए बंदे का तो नहीं लेना चाहिए, है ना? ये तो खींचेगा, और किसी लेडी को भी नहीं लेना चाहिए, लेडी इसको हैंडल नहीं कर सकती। नहीं नहीं, इधर रशिया में वो जी अजी ग्रैंडमा है ना। हाँ। वो पालन करता है। अच्छा। हाँ। इधर आप कैसा ट्रेनिंग करता है ऐसा होता है, मतलब इसको ट्रेनिंग जरूरी है? जरूरी, नहीं तो मजाक मजाक में ये कुछ ना कुछ कर देगा, अपनी तरह से बेचारा खेलेगा लेकिन नुकसान हो जाएगा। और ये देख लीजिए दोनों,
ये कलर इसमें और कौन कौन से आते हैं? और ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक पर भैया इसको बांध दो यहाँ पर और तीसरा ले आओ। और मेरा ब्लैक कलर का है। अच्छा ब्लैक कलर भी है? ब्लैक कलर का है, इसकी पूरा व्हाइट है और पूरा ब्लैक है, वही इम्पोर्ट है। अच्छा वो भी दिखाइए जरा। चलो दोस्तों तीसरा भी इम्पोर्ट मंगवाते हैं। ये तीसरा क्या चौथा हो गया ना? चौथा वो पहले वाला लड़ता था तभी अंदर भेजा उसको। ये आपस में नहीं लड़ते? ये नहीं लड़ता है। अच्छा ये नहीं लड़ते? नहीं लड़ते, छोटा छोटा बच्चा है ना वो, अभी इसको 9 मंथ है, वो 3 दिन के बाद ये वो क्या बोलता है अडल्ट होता है। अच्छा तो 3 साल के बाद ये लड़ना शुरू हो जाता है? लड़ना शुरू होता है। वो दोस्तों ये देखो ये 8-9 महीने का है भाई, और 8-9 महीने में देखिए इसकी ग्रोथ। इम्पोर्ट तो चलो इम्पोर्ट ही होता है, नई फ्रेश लाइन आती है उसमें ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होती, बाकी इंडिया में ज़्यादा ब्रीडिंग तो हो नहीं रही तो ज़्यादा मिक्सिंग होने के चांस नहीं है। और ये देख लीजिए इसमें भी कोट है, इसका कोट थोड़ा ज़्यादा वाइट वाले का है भैया, इसके बाल ज़्यादा वाइट वाले का। हाँ ज़्यादा भैया, ये थोड़ा लॉन्ग कोट है। अच्छा मीडियम कोट है? ये मीडियम कोट है, दो तरह के कोट आते हैं इसका मतलब। और ये डॉग शो वगैरह में लेकर जाते हो आप? नहीं 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 नहीं, नहीं ये उसके लिए नहीं बना? नहीं क्योंकि अच्छा। दूसरा डॉग देखे तो बहुत गड़बड़ करता है इसलिए। और ये तभी तो डॉग शो में मुझे लगता है ये तो बैन होगा डॉग शो में भी भाई, इसके हाथ में कोई ना कोई डॉग आना चाहिए। बाकी जबरदस्त ब्रीड है, मतलब ये नहीं है देखिए मालिक के साथ कुत्ते का काम क्या है, काटना और भगाना। अगर उसकी टांगे मजबूत नहीं है, दांत मजबूत नहीं है तो कुत्ता कुत्ता नहीं है। सही सी बात है भाई साहब, अगर आपने प्रोटेक्टिंग के लिए रखा और कुत्ता वहां से किसी बाहर के बंदे के साथ खेल रहा है, उसको डरा नहीं रहा, तो कुत्ता रखने का फायदा क्या है? तो इसलिए ये जानदार ब्रीड किसको भी रखना है तो भाई साहब ये वीडियो देख लेना। आला भाई सेंटर सेंटर और क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल एशियन शेपर्ड। सेंट्रल एशियन शेपर्ड और क्या कहते हैं इसको? उसको ओचर का कहते हैं, सेंट्रल एशियन ओचर का। अच्छा और एक खासियत और है, जब ये भेड़ों की रखवाली करते थे दो दो वॉल्फ ये मार देते हैं, और कहा जाता है कि इनके ब्रीडर ये भी कहते हैं कि अगर ये दो वॉल्व को नहीं मार सके तो फ्री ले जाओ, ऐसा ही है उनके ब्रीडर यही कहते हैं ना। हाँ। कि अगर ये वॉल्व को नहीं मार सका तो फ्री ले लेता है। हाँ, मतलब इतनी उनको कॉन्फिडेंस है इस ब्रीडिंग के ऊपर। और ये देख लीजिए भाई साहब मजा आ गया, ये डॉग देख के मजा क्या आ गया, इनके पास जाने का मन कर रहा है लेकिन मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कैसा है ये, अगर 1-2 दिन इनके साथ रहूंगा तो ये एडजस्ट हो सकते हैं किसी के साथ भी। और ये दोस्तों इसमें एक कलर और आता है ब्लैक कलर, ये देखिए ये है ब्लैक कलर। ये कितने महीने का भैया इम्पोर्ट? 7 मंथ। ये 7 मंथ का है और ये भी इनका इम्पोर्ट है। ये कहाँ से भैया इम्पोर्ट करवाया? ये रशिया से इम्पोर्ट है। लाइए इसको भी इधर बांधिए। और दोस्तों 2.5 साल में पहली बार हुआ है, मैं हर डॉग को कह रहा हूँ भैया बांध लो फिर वीडियो बनाएंगे। देखिए मन का डर है मुझे, ऐसा नहीं है ये काटते ही होंगे। यहाँ पर बांधो भैया, सेंटर में बांधो। और ये आपस में बिल्कुल नहीं लड़ रहे, पता नहीं पिंजरे में क्या हो जाता, पिंजरे में बोलते हैं ये, यहाँ तो अभी छोटे हैं तब नहीं लड़ रहे। भैया इसके बारे में बताओ जरा। ये इसका नाम है शैडो, ये एक ब्लैक, ये रशिया से इम्पोर्ट हो गया। अच्छा ये रेयर कलर में मिलता है आपको अलाबाई में, ब्लैक में मिलता है, थोड़ा पैचेस आकर वो ऐसा वाला मिलता है, ये फुल ब्लैक है ये वाला। ये तो भैया ब्लैक पैंथर ही लगेगा अगर रात को, तो डरावना ही है। और भैया के साथ खेलते खेलते मजाक में आ गया, ये इसको मस्ती चढ़ रही है। और ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये पीछे देखो शैतान, ये भी सारे बच्चे हैं भाई साहब। अडल्ट मैंने जो पहला दिखाया ना वो अडल्ट था, अब ये तो बच्चे हैं, बच्चे देख लो मजाक। ये देखो पैर देखो इसके, भैया की जितनी टांग है ना उतना तो पैर है इसका। और ये देख लो क्वालिटी, और कोई दिखाना है इसमें, बच्चे दिखाओगे इसके कैसे होते हैं? कैसे बच्चा दिखा। और दोस्तों कमेंट जरूर करना, बड़ी मेहनत की है आपके भाई ने ऐसी ऐसी ब्रीड को आपने आपके सामने लाने के लिए। और यहाँ पर देखिए नंबर लिखा हुआ, कोई ये भैया नंबर कौन सा लिखा? इम्पोर्ट का पासपोर्ट का नंबर है, अब सारा कुत्ता को होता है। अच्छा ये नंबर होता है? नंबर इसको भी है, यहाँ पर नीचे नंबर है, पासपोर्ट का नंबर है। अच्छा ये पासपोर्ट का नंबर है, भैया के साथ लगा हुआ खेलने, बड़े शरारती हैं ये, अभी बच्चे हैं ना, बड़े हो जाएंगे तो फिर लड़ेंगे। ये वैसे एक बात है, ये लड़ाई में कभी घायल हुए हैं आपस में? आपके साथ तो लड़े हैं कभी आपस में लड़के घायल हो गए? मेरा साथ है? नहीं नहीं मेरा नहीं, आपस में ये लड़ते हैं ऐसे? वो दोनों लड़ता है। अच्छा आपस में लड़ता है, मतलब आपने दो अगर आला भाई रखने हैं तो आपको छोटे बच्चे से ही रखने चाहिए। और भाई साहब ये देखिए ये क्यूट बच्चा आ गया, वो देखो पूरा भालू लग रहा है, भालू, आय हाय हाय कितना क्यूट है यार, ओए होए होए होए, वो देखो वो प्रॉपर भालू लग रहा है भाई, ओए होए होए, भैया पकड़ बिल्कुल भालू लग रहा है, ये तो बिल्कुल वाइट वैसा ही है भैया, ये वैसे है। इसके मदर फादर? मदर इधर ही है। अच्छा। और इसका फादर बेंगलोर में है।
अच्छा फादर बैंगलोर वही प्योर व्हाइट है। अच्छा वही तो मदर कौन से कलर की थी वो व्हाइट है। तो कितने बच्चे हो गए इसके? इसका दो बच्चा हो गया। अच्छा सिर्फ दो बच्चा हुआ? दो बच्चा है। वैसे कितने बच्चे होते हैं ज्यादा से? हाँ मेरा 12 हो गया 13 हो गया। अच्छा 12 13 होते हैं? होते हैं। तो इस बार दो? हाँ इसके बाद दो। उसका क्या हो गया ना आर्टिफिशियल कर दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया। अच्छा वो नहीं होना चाहिए। हाँ क्योंकि वो फीमेल भी बड़ा फेरोशस है और मेल भी बहुत फेरोशस था। अच्छा तो फिर AI करना पड़ा। इसलिए दो आ गए, नहीं होता नेचुरल करे तो मिनिमम 8 आता है। अच्छा मेरा पास कितना क्यूट है यार, बड़ा क्यूट है बच्चा ये बिल्कुल। चलो इसको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, फिर मन बड़ा कर रहा है इसको उठाने के लिए लेकिन उठाऊंगा नहीं। और ये बड़े होके 8 महीने के बाद ऐसा बन जाएगा। और ये भाई साहब देख रहे हैं, ये देखिए कैमरे की तरफ आके, और भाई साहब ये देखिए ये है, ये तो अभी सारे बच्चे आप देख रहे हो इसके मदर फादर ये है। और ये छोटे होते हैं ऐसा लगेगा भैया। इसका एक एक मुझे बताना है, इसका टेल का बताना है, टेल डॉग कर दी है? हाँ टेल क्रॉप कर दिया। अच्छा ये टेल इतनी डॉग करते हो छोटे होते हुए? अच्छा ये इतनी टेल डॉग करते हो? 3 डेज के बाद हमें क्रॉपिंग करता है। हाँ ये टेल लंबी अच्छी नहीं लगती होगी, वैसे कोई है टेल के साथ रखा हुआ? नहीं नहीं पूरा टेल क्रॉपिंग करता है। अच्छा और ये दोस्तों देख लो भाई, तुर्की मिस्तान तुर्की की है ना ये ब्रीड? नहीं तुर्किस्तान में है, रशिया में है। अच्छा हर जगह? हर जगह ठंडे इलाके में? हाँ ठंडी जगह। ठीक है और यहाँ पर इसको एसी उसी की जरूरत पड़ती नहीं है? क्योंकि वो रशिया में -40 भी होता है और +40 भी होता है। अच्छा इसलिए उसको एसी भी नहीं जरूरत है, आपने +30 में रख दी। और ये देख लो दोस्तों क्यूट बच्चा। अब इसके हम बुलाते हैं, किसको बुलाएंगे? अब आपकी ब्रीडिंग का बच्चा देखेंगे। ओके ये भी आपकी ब्रीडिंग का ना? वैसे मेरा ब्रीडिंग का, ये आपकी ब्रीडिंग का ही है? मेरा बड़ा बड़ा कुत्ता ले रहा है। हाँ बड़ा कुत्ता आपकी ब्रीडिंग का देखते हैं कि आपका ब्रीडिंग का बच्चा कैसा होता है बड़ा। और ये यार ये तो मन कर रहा है इसको ले जाऊं, पर ये मैं नहीं रख सकता ऐसी ब्रीड क्योंकि बाकी कुत्तों के साथ ये फेवरेबल नहीं है। और भाई साहब ये देखो, ये देखो ये भी इम्पोर्ट आ गया, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्ट तो मुझे लग रहा है इनके पास ही होंगे अभी तक, तो जितने कैनल मैंने पहले ही कैनल दिखा रहा हूँ। और ये देख लो ये क्वालिटी, थोड़ा हिम्मत करके चले जाते हैं पास। और ये कितने महीने का भैया? ये 2 साल का है? अच्छा ये 2 साल का अडल्ट है। और ये क्वालिटी देख लो भैया, इसको स्टैक करना इधर सामने। ओके हाँ ये ऐसे देखो, और ये 2 साल का एक्सपर्ट भाई अडल्ट है। और ये देख लो, और उधर हो रही है मतलब खेल रहे हैं आपस में, लड़ नहीं रहे खेल रहे हैं। और ये देख लीजिए आपको कैसे लगे, स्टैंडर्ड देख सकते हो आप। ये भी इम्पोर्ट है? ये कहाँ से इम्पोर्ट है भैया? ये रशिया से इम्पोर्ट है। ये रशिया से इम्पोर्ट है? तो अभी तक ये इन्होंने बच्चे बुच्चे पैदा किए हैं इंडिया इसका में? बच्चा है। अच्छा तो भी बच्चा अभी मेरा ये केयर का है। अच्छा फीमेल है इसका बच्चा 1 साल का? हाँ। नहीं ये 2 साल से ऊपर होगा ना है? इसका बच्चा कैसे होगा 2 साल का? तो ये खुद है? नहीं नहीं इसका 2.5। अच्छा ये 2.5 साल का? 2.5 साल, मतलब 15 महीने में बच्चा लेना शुरू कर देते हो। नीचे बैठिए थोड़ा सा। और ये दोस्तों ये देख लो क्वालिटी, वाह क्या बात है भाई साहब, ये मजा आया देख के आला भाई। कलर इनके पास सारे हैं है ना? हाँ, कलर कितने आते हैं इसमें? इसमें ब्राउन आता है, ब्लैक आता है, टैन आता है, वाइट आता है। और ये प्रॉपर स्टैंडर्ड ही लग रहा है, वैसे इंपोर्ट है, चलो पेडिग्री अच्छी होगी इसकी, हम पेडिग्री के ऊपर नहीं जाते, पर क्वालिटी देख के पता लग जाता है डॉग कैसे हैं और इन्होंने केयर कैसे की हुई है वो देख के पता लग जाता है। क्योंकि सारे डॉग देखिए बिल्कुल साफ है, मतलब कहीं से उसको खारिश नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, कान भी बिल्कुल साफ रखे हुए हैं। और ये देख लीजिए भाई साहब, मजा आ गया ये डॉग देख के। और नीचे दोस्तों कमेंट जरूर करना आला भाई आपको कैसे लगते हैं, अगर किसी और वीडियो में और दिखे तो हम दिखाएंगे। वैसे अभी तक यही कैनल है भैया, इसका कैनल का नाम क्या है? जाकल हंटर कैनल। और ये जगह कौन सी? चिकमंगलूर कर्नाटक। ठीक है भैया का नंबर नीचे दे दूंगा मैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर इस ब्रीड के बारे में जानकारी। और पहली बात ये कह देता हूँ, ये साफ ध्यान रखना, अगर आपको डॉग एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास जगह नहीं है तो भैया किसी भी हालत में ये ब्रीड के ऊपर मत जाना। मजाक मजाक में लेको बच्चा ले लोगे खूबसूरत लगता है, लेकिन जब ये बड़े होंगे तब इसका ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है। सही बात है ना, लोग ले लेते हैं बच्चा तो ले लेते हैं, बाद में कहीं ये तो भाई कोई लेगा भी नहीं आपसे बड़ा, ये बड़ा तो कोई नहीं लेता होगा, नहीं लेता है। ये इसको प्रोफेशनल आपको ट्रेनिंग चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये कंट्रोल नहीं हो सकते, आप इनको प्रोफेशनल हैंडलिंग करवा दोगे। ये कहता हूँ ये अपने मालिक के लिए सबसे ज्यादा जान भी दे देते हैं, ये ब्रीड में ब्लड में ये चीज है, आपके लिए जान भी दे देंगे। लेकिन बिल्कुल ध्यान से, 12-13 साल की इसकी एज है, बिल्कुल ध्यान से अडॉप्ट करना। अब भाई साहब मेन ओनर आ चुके हैं घर में, और ये देख लीजिए ये प्यार की बारिश हो रही है। अगर आप क्या बोलोगे इसके बारे में? बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा है। तो ये तंग नहीं करते, ये देखो कुछ नहीं करते वो। अच्छा कुछ नहीं करते? नहीं नहीं। तो ये प्यार करने के चक्कर में अगर कुछ कर दिया नहीं, नहीं कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। नहीं नहीं। तो भाई का ये है कंगल। भैया ये कितने दिन का? अभी ये 8 मंथ का है। 8 मंथ का। ये मेरा खुद ब्रीडिंग है। अच्छा, उसका पापा मम्मा सारा इम्पोर्ट है। अच्छा, ये खुद ब्रीडिंग का है। इधर मैं एक ही रखा था, किसी और आ गया तो कंगल दिखाने, तो मेरी एक ही रखा था। मेरा कंगल के ना बैंगलोर में है। अच्छा, बैंगलोर में है। बैंगलोर में। तो दोस्तों किसी दिन हम बैंगलोर भी चलेंगे, इनके कंगल जरूर दिखाएंगे। अभी इनके पास एक ही कंगल यहाँ पर है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भैया इसका टेम्परामेंट कैसा है? यही बहुत टेम्पर वाला डॉग है। इसका बाइट फोर्स ज्यादा है आला भाई का। अच्छा, इसमें अटैकिंग आ गया तो आला भाई बहुत अटैक करता है। आला भाई ज्यादा अटैक करता है। आला भाई क्या होता है ना, वो लड़ाने को आ गया तो खुद वो मरना है, नहीं वो तो दूसरा अटैक मरता है। अच्छा, नहीं तो खुद मर जाना है। मतलब आला भाई ज्यादा फ्रिशियस है, फ्रिशियस होता है। अच्छा, तो कंगल कब में ज्यादा होता है? अच्छा, इसका बाइट फोर्स ज्यादा है। कुत्ते में कंगल का ज्यादा बाइट फोर्स है। तो ये इम्पोर्ट आपके पास, इसके मदर फादर इम्पोर्ट है? ये मेरे खुद ही मेरा ब्रीडिंग है। अच्छा, तो भैया कोकेशियन शेफर्ड भी है आपके पास? तो वो कैसे कुत्ते हैं? अच्छा, ये तीन होता है ना, मैं खुद तीन रखा था, क्योंकि यही इंडिया वर्ल्ड में भी फरोशस डॉग होते हैं तो आला भाई कंगाल और कोकेशन होता है, इसलिए मैं तीन कुत्ता रखा था। और मेरे पास कोकेशन भी शुमोगा है, उधर है। तो भैया ये जितनी आप ब्रीडिंग कर रहे हो, इसमें कोई फायदा फूदा मिला आज तक वैसे? हाँ मिला। क्या फायदा? प्रॉफिट हुआ कोई अभी प्रौफिट, तक प्रॉफिट का बगैर नहीं, नहीं, नहीं रखा था, क्योंकि शौक रखा शौक के लिए। तो भैया ये मतलब एक ही कैनल होगा जहाँ पर कोकेशन शेफर्ड और आला भाई और ये कंगल सारे एक जगह ही मिल रहे हैं? तो ये कहाँ से शौक आ गया कि ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े डॉग? मेरा भैया इधर रशिया में था, वो रखा था, वो आला भाई रखा था उधर। अच्छा, तो इधर इंडिया में आकर वो मेरे को फोटो वीटो दिखाता था, ये कैसा देखो ये कुत्ता बड़ा, इंडिया में कोई पास नहीं है। अच्छा, हम भी इधर इंडिया को ये इम्पोर्ट करेगा, इसलिए वो ऐसा स्टार्टिंग हमें इम्पोर्ट कर दिया। तो उसने फंसाया या बचाया आपको? फंसा तो नहीं दिया कहीं? भैया ये कसम से कह रहा हूँ, डॉग ना केयरिंग फैमिली है, सिंपल सी बात है। मदर फादर आपको मैंने वीडियो में दिखाए, मेन होता आपकी फैमिली अगर इजाजत दे तो ऐसे डॉग रखने चाहिए। और ये कोई शौक मामूली शौक नहीं है भाई साहब, बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े डॉग हैं। और टोटल कितने डॉग हैं अभी यहाँ पर? यहाँ पर एक 13-14 डॉग्स है। 13-14। और टोटल वहाँ बेंगलुरु में कितने हैं? बेंगलुरु में 8 डॉग है। 8 डॉग वहाँ है। वहाँ कंगल है ज्यादा? कंगल ज्यादा है। और कोकेशन शेफर्ड को वो कहाँ रखे हैं? कोकेशन शेफर्ड दो है। दो है, वो कहाँ रखे हैं? वो शुमोगा इधर है। अच्छा, वो कहाँ है? शुमोगा। वो कहाँ है? इधर 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 ही है, पास में ही है। पास में 90 किलोमीटर। अच्छा, 90 किलोमीटर है, ठीक है। और दोस्तों कोकेशन शेफर्ड मैंने टाइटल में डाल दिया क्योंकि ब्रीडर बहुत कम है इन ब्रीडों के, इसलिए मैं कोकेशन शेफर्ड, आला भाई और कैंगल दोनों को टाइटल में तभी लिखा। वीडियो में इनके घर ही में पहुंचा था, इन फ्यूचर मैं वहां पर भी पहुंचूंगा इनके कैनल में। बेंगलुरु में मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं वो कवर करते ही आता। इंपोर्ट चाहिए तो मैं हेल्प करता है। अच्छा, वो भी हेल्प कर देते हैं? तो मतलब इंपोर्ट किसी को चाहिए वो भी करवा के दे देते हैं? तो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने बच्चे क्यों नहीं बेच रहे? हमें खुद ही इंपोर्ट ही कर दिया, 15-16 डॉग्स भी इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, 15-16 वैसे इंपोर्ट करके दे दिए लोगों को? मतलब आपके वहाँ पर रशिया वगैरह में अच्छे रिलेशनशिप है? उसका एक मंथ के बाद एक रशिया का ब्रीडर इधर आता है इंडिया का। अच्छा, ये कल की नाम का बोल दिया ना, उसका ब्रीडर इधर इंडिया आता है, वो हमारा कैनल का विजिट करता है उस समय। आपको मैं चलो मैं हम भी आएंगे उस टाइम पर। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। मुझे तो सही में कहूँ इनकी फैमिली बड़ी केयरिंग लगी, मतलब माथे पर एक शिकन भी नहीं है, और डॉग भी वहां पर खुश रहते हैं जहां पर माथे पर शिकन नहीं होती। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं हूँ था कौन सा चिकमंगलू, और मैं था चिकमंगलू कर्नाटका से लाइव, आपका स्कूबर्स की तरफ से बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।